नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज वाराणसी के सरदार वल्लभ भाई पटेल अतिथिगृह तेलियाबाग वाराणसी में जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश युवा इकाई द्वारा संगठन विस्तार पर चर्चा किया गया। इस अवसर पर नव नियुक्त जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों का चयन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युवा जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह पटेल एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय जनता दल युवा के अशोक कुमार पटेल, नीरज सिंह पटेल रहे। कार्यक्रम का संचालन युवा प्रदेश महासचिव डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्र ने किया। अरविंद पटेल ने कहा कि यूपी में अवैध शराबबंदी का कारोबार उत्तर प्रदेश में तेजी से फल फूल रहा है, जिसका परिणाम रहा कि पिछले दिनों कानपुर में शराब से दर्जनों लोगों की मृत्यु हुई। प्रत्येक वर्ष प्रदेश में हजारों की संख्या में जहरीली शराब से मौत होती है, जिस पर शासन प्रशासन मौन के सिवा कुछ नहीं करती। हमारी पार्टी प्रदेश एवं देश में शराबबंदी करवाने के लिए आंदोलन कर रही है। कहा कि उत्तर प्रदेश में आज लोकसभा में मजबूती के साथ हर सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम लोग घर घर जाकर प्रचार करेंगे, पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमने अपने लगभग सारे पदाधिकारियों का जहाँ तक बनाया गया है, 10-20 जिलों का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रदेश का सचिव बनाया गया, प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं, प्रदेश प्रधान महासचिव बनाए गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं, और हम लोग संगठन का विस्तार दे रहे हैं। लगभग हर 2-3 जिले के बाद एक मीटिंग हम लोग लग रही है, जिससे कि लगभग अपने सारे संगठन का हम लोग जब विस्तार दे देंगे तो हम लोग लोकसभा के चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, और सारे सीटों पर भी हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ पे देवरिया से लेकर के आप इधर कानपुर से पकड़ करके सुल्तानपुर से लेकर के आप इधर देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, हर जगह लगभग लोग आए हुए हैं। जौनपुर से भी लोग आए हुए हैं, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ही देना चाहूँगा कि हमारी पार्टी अच्छे तौर तरीके से काम कर रही है और सब लोग एक साथ संगठन को मजबूत करने के लिए अपना ताकत दिखाएंगे। बताइए, 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या आपकी पार्टी भी गठबंधन करेगी? हमारी पार्टी ऑलरेडी भाजपा से गठबंधन है, बिहार में लोग मानते हैं, बिहार में है, और हम लोग मानते हैं कि लगभग NDA में हम लोग तो है ही हैं। लेकिन रहा सवाल कि क्या हम लोगों को यूपी में मिलता है, उसके आधार पर हम लोग अभी यूपी में पूरे सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए, आप किस जगह से चुनाव लड़ेंगे? कोई जरूरी नहीं, मैं तो संगठन का काम कर रहा हूँ ना, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ कहेंगे मैं वहाँ भी लड़ सकता हूँ, नहीं भी लड़ सकता हूँ। मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का काम करता रहूँ, मैं चुनाव लड़ने कोई शौक नहीं है। शराबबंदी पर आपने कहा कि शराब बंद कराई जा रही है, तो वैध रूप से तो आप इसको बंद करवा देंगे, जो अवैध रूप से इसका जो है चल रहा है, ये कैसे होगा? आप सुनिए, अभी बाकी भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ आए हुए थे, वो बोले कि अवैध रूप से बिहार में शराब जा रहा है जी। तो अवैध रूप में तो असलाह भी आ रहा है हिंदुस्तान में, उसको क्या रोका जा सकता है? नहीं रोक पा रहे हैं ना हम लोग। उसमें भी अगर अवैध रूप से जो असलाह आ रहा है, अवैध रूप से जो आतंकवादी हमारे देश में आ रहे हैं, उनको अगर पकड़ने के बाद कड़ी सजा दी जा रही है, इसी तरह अवैध रूप में अगर बिहार में भी पकड़े जाएंगे कड़ी सजा दी जाएगी। शराबबंदी के साथ प्रदेश में दहेज बंदी की भी बात कही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष मिर्जापुर डॉक्टर अरविंद पटेल, अमित पटेल, केसी मिश्रा, नरेंद्र शर्मा, विकास तिवारी, विपिन, विनोद, नीरज पासवान, अरविंद, अनिरुद्ध पटेल, रमेश पटेल, सुनील पटेल, सुशील कश्यप, सुभाष पटेल, कौशलेंद्र पटेल, संजय निषाद, राजेश पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। क्लाउन टाइम्स की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।